जैनब की सारी फ्रेंड्स आ गई हैं। पाकिस्तानी का गुड मॉर्निंग कहने का तरीका बहुत अलग है भाई। डकी भाई भी गुड गिरी हुई है। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज एक नई वीडियो पर मैं फिर से रिएक्ट करने वाली हूँ और वीडियो है सिस्टोलॉजी ब्लॉग पर करके, और ये इसीलिए भी है क्योंकि काफी मेरे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि आप फातिमा के ब्लॉग पर रिएक्ट कीजिए करके। उन्हीं का चैनल है मतलब सिस्टोलॉजी। जो लोग नहीं समझते हैं गाइस, उनको मैं बता दूँ कि एक पाकिस्तानी ब्लॉगर है, लाहौर से है, कहाँ से, मे बी शायद। तो आज का जो टाइटल है वो ये है, बिगेस्ट वाटर पार्क ऑफ लाहौर, मतलब इट मींस कि लाहौर की रहने वाली है। और इनकी कुछ सिस्टर्स हैं, मिलके ये लोग ब्लॉग बनाते हैं। वैसे जब मैंने यूट्यूब पे चेक किया था ना कि एक इनके ब्लॉग पे मैं रिएक्ट कर चुकी हूँ, वैसे बहुत पहले किया था, अभी का नहीं, जब ये लोग किसी की शादी में जा रहे थे तब किया था, अब इतना तो मुझे याद भी नहीं है। तो देख लेते हैं हम आज का इनका वीडियो। और गाइस, आपने बोला था प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, उससे पहले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फातिमा फैसल ब्लॉग। तो आपने किया होगा, मेरा कर दो, आप 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर दो। आज जो है हम बहनों ने और फ्रेंड्स ने मिलकर जाना है वाटर पार्क। उसके लिए हम लोगों ने रात को सारी तैयारियां कर ली थी, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स एवरीथिंग हमने बैग शैग में फिल कर लिया। निश्चल के देखते हैं सारी फ्रेंड्स आ गई हैं, बहनें रेडी हो गई हैं कि नहीं। लेट्स गो, गुड मॉर्निंग मम्मी। जैनब की सारी फ्रेंड्स आ गई हैं। पाकिस्तानी का गुड मॉर्निंग कहने का तरीका बहुत अलग है भाई। डकी भाई भी गुड गिरी हुई है। और कितना गिरेगी तू? और यहाँ पे और कितना गिरेगी? सारे कपड़े पैक कर गए इन लड़कियों ने, अत मचा दी थी स्विमिंग के कपड़े निकालते हुए, पूरा यहाँ पे गंद मचा दी है और सारे का सारा गंद की ढेरी यहाँ पे मचा दी है। मामा ये जूता पकड़ ले और इन सब की फेंटी लगा दे। पापा इतना थैला लेके अब कहाँ जा रही है? ऊपर अलमारी में जोड़ती हूँ सारी शर्टें। वैसे मैंने मामा बोला था आप भी हमारे साथ। मैं नहीं जाती, है जो घर में काम है इतना तुमने करना है, मैं नहीं जा रही। चले ठीक है, अगली बार हम ना बाकी दफा हो जाओ, निकल जाओ निकल जाओ। मामा मैं बोल रही हूँ अगली बार हम एक प्लान बनाएंगे जब हम पांचों बहने और आप जाएंगे रीत भाई के साथ, फिर आना मेरे पास, पहले मुझे मस्के ना लगाओ। चल, और दो गाड़ियां हमारे पास, 6-6 लोग दो गाड़ियों में फिटर, क्योंकि हम गरीब हैं और गरीबी में जीना एक कला है। और राबिया कहाँ है? मैं इधर हूँ। कैसी लग रही हूँ? रेडी हो गई हूँ, यूनिवर्सिटी से गंदी तैयार हो गई थी और अभी मैं अच्छा तैयार हो गई हूँ। तुम्हारी भी अब भी गंदी थी, अब भी गंदी थी। मामा हम थोड़ा सा लेट उठे हैं ना यार, ऑलरेडी यहाँ पे 3 बज चुके हैं। कुछ हल्का फुल्का सा अंडा एक आधा बॉइल कर दो, ठीक है? 3 अंडे पेट का क्या? मैं आज तुम्हें दिखाती हूँ दो तरह की ड्रेसिंग, ये जो पहली दफा ऐसे जा रहे होते हैं, ये जो बहुत दफा जाते हैं। ओल्ड मनी वर्सेस न्यू मनी। मैंने अपने कपड़े जो है वो चेंज कर लिए हैं, वो वाले कपड़े मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। मैं हर बार ना हर इवेंट पे जाने के लिए बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, ये पहनू ये नाश्ता कर रही हूँ अपना, ब्रेड के अंदर जैम एंड सैंड मक्खन। मामा ने मुझे वॉशरूम की चप्पल लग रही है ये राबे, लेकिन पहन लो यार, इजी है। मामा को पता भी नहीं, वहाँ पे घुमा के भी आ सकती है। ओए तुम लोगों ने शॉपर रखी है? नहीं, तुम लोग को पता है ना वहाँ पे कपड़े गीले हो जाते हैं और डायरेक्ट तुम लोग बैग में नहीं डाल सकते। कैसे बच्चे एक शॉपर ले ले, शॉपर उठा ले, वो शॉपर पे लड़ रही है, नहीं नहीं मेरा, नहीं नहीं मेरा। जैनब के पीछे लड़ाई कर रहे हैं यार, यही काम रह गया। यू कॉलिंग मी शॉपर? यस यू आर शॉपर। अब मसला ये आ गया गाइस कि हम लोगों को गाड़ी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है एक दूसरे को। हमारे पास एक ये गाड़ी है और एक हमारे पास ये गाड़ी है, अब इनको समझ नहीं आ रहा। चलो डिवाइड हो जल्दी जल्दी, डिवीजन मारो जल्दी, लेट हो रहे हैं हम लोग, इससे पहले वहाँ पे हर चीज बंद हो जाए। बस करो राबे, डिस्कशन करना, गाड़ियों में बैठो। मैं ये अपना थैला घर भूल के जा रही हूँ, इस थैले में जो है ना मेरे सारे स्विमिंग के कपड़े हैं, और मैं अगर इसको भूल जाती तो मैं वहाँ जाके कैसे स्विमिंग करती? शुक्र है मेरे हाथ में गन पकड़ा, मुझे लगा कि तुम्हारे हाथ में तुम्हें ही पकड़ा दिया उन्होंने। मौसम कितना अच्छा है, पता चले पानी फुल ठंडा हो। हम लोग फाइनली कोई 1.5 घंटे बाद पहुँच चुके हैं, इतनी दूर नहीं था। ये लड़कियाँ मेरे से पहले आ गई थी, हमने इतना मजा किया, अभी का मजा होना है। भाई एक करके बोलो, शोर मचा दिया। यहाँ पे कोई इतनी सुहानी हवा चल रही है ना, ये बोटिंग शोटिंग है, बस जल्दी मतलब से ये लाहौर इनको यहाँ पे फोटो खींचने की पड़ी हुई है। लड़कियों बस करो, अंदर जाओ अपने कपड़े चेंज करो, स्विमिंग का टाइम जल्दी, फिर मुझे मत कहना यहाँ पे फोटो नहीं आई। जो मेन काम करने आई
तो स्विमिंग के लिए आया ना। पास करो रवे, पोज नहीं से पास करवा जी, पास करवा जी। काउंटर से हम लेंगे लॉकअप की चाबियाँ, ये वाले कपड़े लॉकअप में रखेंगे और स्विमिंग वाले कपड़े पहनेंगे और स्विमिंग के लिए दफा हो जाएंगे। सबसे मुश्किल टास्क होता है इन नंबर्स में से जो है ना अपना लॉकअप, ये मिल गया मेरा लॉकअप। सारे जूते इन्होंने यहाँ पे इकट्ठे कर दिए, ये वाला जूता पहन लो जो मामा ने घर से दिया। अगर चाबियाँ गुम गई ना तो उन्होंने बोला हमें फाइन होगा 10,000। यहाँ पे अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया। इन लड़कियों में इस टाइम सबसे बड़ी मैं हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारा सामान लॉकअप में रखवा के और कीज की जिम्मेदारी पूरी करना। इन लड़कियों ने इतना बड़ा बैग लिया, अभी ये भी पूरा कर रहा है। सब ने एक ही में डाल दिया। चलो चाबियां पूरी, ये कीज हमने इकट्ठी कर ली है, ये गुमनी नहीं चाहिए। इस जोकर के नीचे सब लड़कियां आएंगी, ठंडे ठंडे पानी चढ़ाएंगी, उसके बाद पूल में जाएंगी। चलो 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 चलो, व्हाट द हेल। मैं पता शावर कैसे लेती हूँ, ये देखो मेरा हो गया। अभी सही से गर्मी नहीं आई थी, ठंडा पानी है, हवा चल रही है कुछ ज्यादा, सही से नहीं आई है। अब हम स्लाइड वाले एरिया में आ चुके हैं, वेव पूल हम लोगों ने ले लिया था। अब ये वाले ट्यूब जो है हम लेकर जाएंगे, तेरी और मेरी बारी है। मोटी ऐसे पीछे बैठे कि मैं छोटी हूँ, इसके आगे क्या बात कर दिया यार। वो स्लाइड लेके इतना कोई मजा आ गया ना, अभी ये इतनी हॉरर, ये वाली स्लाइड है ना ये काफी खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। ये तो कोई लड़का आया, और इसको देख कितनी तेजी से आया, इसको तो डर भी नहीं लग रहा यार। इन्होंने तो ग्लासेस भी पहने हुए हैं। ज़ैनब आ जाओ, ज़ैनब पास, ओ ज़ैनब को देख, डूब गई। सब मना कर रहे हैं, ये बच्चों का एरिया था खैर जहाँ पे हम आए हुए थे। ये जो है ना मजे का वेव पूल है, पर आंधी आ रही है, क्या मजे का व्यू है यार। लेकिन ना हमने बस गलती ये की है, हम थोड़ी ठंड में आ गए, हमें थोड़ी और गर्मियों में आना चाहिए था, जून जुलाई में आना चाहिए था। घर वालों के साथ हम जून जुलाई में आए, मुझे यहाँ पे दो बच्चे मिले और मैं उनसे भी पूछती हूँ आपको क्या लग रहा है, आपको सर्दी में आना चाहिए था गर्मी में आना चाहिए? गर्मी में वेदर जो है ना आंधी तूफान चल रहा है, उसने कहा वेव की वीडियो नहीं बनानी, लेकिन हम जो है ना वेव की वीडियो ही बनाएंगे, हम है डीट प्रो मैक्स। यार मैंने जो है वो स्विमिंग कर ली है, कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए, अब आराम से बैठ के खाना शाना खाते हैं। राबिया, ज़ैनब और उसकी फ्रेंड्स मुझे नहीं पता कहाँ पर, यहाँ पे सारी जो चीज है ना ये खाली हो चुकी है, वो लोग चूंटी बराबर दिख रहे हैं ना वो है वो लोग। ज़ैनब जो है ना वो स्टिल पानी से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही, मेरे से कसम उठवा लो, इतनी ठंड पड़ रही है ना, मुझे नहीं उम्मीद थी यार अभी अप्रैल का लास्ट और इतनी ठंड होगी। बट गलती मत करना आप लोग, मई में भी मत आना, आप लोग आना जून में, अभी वो वाली गर्मी आनी आई स्विमिंग पूल वाली। मेरे सामने का माहौल देखे भाई, हाथ मेरे कांप रहे हैं, पूरा पूल खाली हो गया, लड़कियां आप निकली हैं, पूरा का पूरा पीछे पूल खाली है, सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, वो हया छोटू को भी सर्दी लग रही है। मेरे से तुम लोगों को जेलस होना चाहिए, मैं कैसे नीट लड़की बन के जो है वो खड़ी हुई हूँ और मजा ही आ गया। ऊपर पूल पे पंखे चल रहे हैं, राबिया अपने सर से टावल उतारो, उसको टावल चाहिए, मानो ले जा 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 वॉशरूम चले जा, तू अपने बकरे सर पे रखे बैठी हुई है, बाल यहाँ पे ड्रायर हो रहे हैं, जल्दी जल्दी करो अब हमने खाना 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 है। टू आउट द जर्नी, मैं इनकी माँ बनी हुई हूँ, इनको साथ साथ ले लेके फिर रही हूँ, चाबियां पकड़ी हूँ कि कहीं कुछ भूल ना जाए और लॉकअप में फाइन ना पड़ जाए, सामान ना रह जाए। चलो बच्चों खाना वाना खाए, मेरे पेट में चूहे हाथी घोड़े सब दौड़ रहे हैं, अगर बिरयानी ना हुई तो मैं, बिरयानी तो मस्ट होगी ना, मैं तो सब खाऊंगी। और अभी बाहर जो है ना मरी जैसा माहौल हो गया है, लाहौर लेकिन लग मरी रहा है, इतनी ठंड हो रही है, इतनी हवा। मैंने मंगवाया चटनी मंडी, चटनी मंडी, चिकन कढ़ाई, मखनी हांडी, टिक्का बोटी, देसी लोग हैं हम सब। बच्चे अपना अपना सोलो सोलो मेन्यू डिसाइड कर ले, सोलो नहीं तो कॉम्बो भी डिसाइड कर सकते हैं। ज़ैनब ने अपना बर्गर शर्गर ऑर्डर किया है, मजेदार सी बिरयानी आ चुकी है, मंगवाई है चिकन स्ट्रिप्स एंड साथ में फ्राइज, अल्फ्रेडो पास्ता, इतना मजे का हमने मंगवाया है पालक पनीर, क्या मजे का इसका टेस्ट लग रहा है, खुशबू भी अच्छी आ रही है, ने सारा खाना वाना यहाँ से खा लिया। अब जो है घर जाने का टाइम आ गया, खूब थकन हो गया, घर जाके सोते हैं, डालू पानी में फातिमा टूथ एंड डेयर गेम खेलते हैं हम शूज के साथ, इधर अलाउ नहीं है। मेरी बात सुने, मैं इतनी रात को यहाँ पे क्या लेने जाऊंगी, आपको क्या अकल को लग रहा है कि हम शायद स्विमिंग करने जा रहे हैं? सामान वगैरह हम लोग रखते हैं,
ये गंदा चपड़ी चौपड़ प्लान राबिया का था। हाफ लड़कियां इस गाड़ी में बैठेंगी और हाफ लड़कियां इस गाड़ी में मुंतकिल हो रही है। तो यार हम लोग घर पहुंच चुके हैं, सारी फ्रेंड्स को हम लोगों ने उनके घर ड्रॉप कर दिया और तीनों थक हार के जो है घर आ गई है। और इतना थ्री सिस्टर्स है ना, आज सबसे ज्यादा मजा स्लाइड में आया। स्लाइड में मजा आया और पानी, लेकिन थोड़ा हवा ने हमेशा सितम किया। बहुत ज्यादा ठंडा है गाइस, बहुत ज्यादा। और ये वेट देखो, ये वेट यार, ये मम्मा से भी ज्यादा वेट है इसका। कितना वेट है। हेलो मम्मी, पता नहीं मामा आपकी कौन सी नेकी कबूल हो गई है जो आप हमारे साथ नहीं गई। इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी मामा, मजा तो बहुत आया लेकिन बस सर को मजा नहीं आया। इतनी तेज ठंडी हवाएं चल रही मामा, मेरी तो गर्दन का ये मसल जो है दर्द होना शुरू हो गए। मैं तो मजा करने गई थी तो जियत लेके घर आ गई। अच्छा आपने क्यों, मैं सारा टाइम ठंडी रहना था, बस साइड में मजा आया मुझे सबसे ज्यादा। कपड़े का गीले कर दिए उसके अंदर बैठ के, ये देखे छपरों में है कपड़े, ये सारे गीले कपड़े। हर टाइम डॉक्टर फैसल की कॉल आती रहती है मेरी मम्मी। पापा हमसे दूर होके भी कनेक्टेड है यार। The next day. ये मैं क्या देख रही हूँ, सर के ऊपर शॉपर, मेरी मम्मी का देसी वे देख ले, ऊपर शॉपर पहन लिया क्यूटी सी मम्मी, और यहाँ पे हांडी रोटी हो रही है। आज मेरी मम्मी बनाएंगी भिंडी। भिंडी हमें बहुत मजे की लगती है यार, आज आपको भिंडी का भी थोड़ा बहुत प्रोसेस दिखा देती हूँ मेरी मम्मी की, खूबसूरत तरीन टेस्टी वाली भिंडी। फिलहाल मैं यहाँ पे जो है वो चाय शाय बना रही हूँ। सबसे पहले जी हमने भिंडी को ऑयल में फ्राई करना है। भाई खाली भिंडी नहीं बन रही, भिंडी के साथ जो है ना यहाँ पे गोश्त भी बन रहा है। सड़ तो नहीं गया, रिश्तेदार जो है ना वो सड़ गए, लेकिन हांडी नहीं सड़नी चाहिए। टमाटो शमाटो ऐड करें, क्यों ड्राइवर कहाँ है? यार मैं ड्राइवर थोड़ी हूँ। नहीं तो तू और क्या है, जल्दी जा पकड़ गाड़ी। मतलब ये सही है, ड्राइवर आज जल्दी चला गया था, राबिया को स्कूल से लेकर आओ। कल स्विमिंग कर करके मैं इतना ज्यादा थक गई हूँ, पिक कर लिया राबिया को यूनिवर्सिटी से, आगे लेकर आओ। तुम्हें लेने आ गई हूँ, तुमने कैब पे आना था। और ये क्या तुम हर टाइम एक ही शर्ट में दिखती हो, यही कुर्ता पहन पहन यूनिवर्सिटी जाती है? आज मेरी एक क्लास थी इसलिए मैंने कहा चलो ये पहन लेती हूँ। और मेरे साथ जैनब भी राबिया को लेने आई हुई है। पैसे लेने आया हूँ तुझे, क्यों घर बैठ के बोर हो रहा था? मेरी चाय वहीं चूल्हे में पड़ी हुई है, मैं अपनी चाय छोड़ के राबिया को लेने आई। थैंक यू फातिमा, तुमने मेरे लिए इतना अंजाम दिया काम, लेकिन वैसे मैं खुद भी आ जाती। अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, राबिया खोती मैडम को घर ले आई हूँ। गुड गर्ल, या आई एम अ गुड गर्ल। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझे घर आके अच्छा सा खाना खिलाना। चितर, अगर जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी है घर आके तुम्हें ये खिलाना खाना। अगर जिम्मेदारी अच्छे से निभाओ, चल सर जा अंदर। शीशे में ना 600 बारी पहले अपनी शक्ल देख, मेरी शक्ल है नहीं, उसके बाद मेरे को खाने की उम्मीद रखी। लड़ते लड़ते आगे वापस स्कूल हो गई होगी इधर बैठ के, सिर्फ आपके कहने पे, सिर्फ आपके कहने पे इस बुचड़ी को लेके आई हूँ मैं। तो बुचड़ी है, बहन नहीं है मेरी। और है जी, अब मैं अपनी चाय पीती हूँ जिसका मैं कब से वेट कर रही थी। यार इधर जो है ना नीचे आपी भी आई हुई है और साथ में हिरा भी आ चुकी है नथिया गली से अपना शूट वूट रचा के। कैसे करी, जैसे मेहंदी थी मैंने रचा लिया हाथों में। ठीक, आपी भी आज घर आई हुई है, हिरा मेरे से हाथ मिलाए। ये दोनों भी इनकी सिस्टर है क्या? बहन की टांगे खींच रही है, ये मेरी टांगे खींच रही है। ये तुम्हारे साथ तमीज से नहीं ना रहती, मेरे साथ तमीज से रहती। एग्जैक्टली, तुम कहती तो सही कि नहीं। ये सही है, दो बहनें मेरे से बड़ी हैं, दो मेरे से छोटी हैं, मैं बीच की घंटी बजा रहा हूं। पता चला मुझे लास्ट में घंटा हो जाता है, आगे बजा के चला जाता है। ये घंटा इतना हैवी है कि ये पहले दो को नीचियों को बजाता है फिर ऊपर वालियों को बजाता है। मैं तो स्विमिंग कर कर आई हूँ, बहुत ही मजा आया। इतनी ठंड में वाले पड़े थे पागल, बीमार होना था। वही ना, बस गलती हो गई गाइस, क्या करूं। तो आप ही के घर में बना हुआ, वहाँ चली जाए। डोंट टेल मी यार, मैं वहाँ से राबिया को लेके इधर आई हूँ और मेरी मम्मी ने भिंडी पूरी की पूरी बना छोड़ी है, मैंने रेसिपी दिखानी थी। पूरा इधर भिंडा बना हुआ गोश्त के साथ। सो गाइस, होप सो कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी जल्दी से मेरे चैनल के 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर दो। ओके, ब्लॉग हो गया खत्म। ये था सिस्टोलॉजी फातिमा फैसल का ब्लॉग जो था, मतलब खूब मस्ती करते हैं, फुल फैमिली, मम्मी इनकी, बहनें सारी मिलके खूब मतलब धमाल मचा रखा है यूट्यूब पे इन लोगों ने भी पाकिस्तान में। वैसे आज तो मैं इनका ब्लॉग पहली बार देख रही हूँ, लेकिन पहली बार देख के ऐसा होता ना कि आगे देखना है नहीं देखना है करके रियलाइज हो जाता है, तो इट मीन्स कि बहुत अच्छा है यार। आप देख सकते हैं फुल एंटरटेनिंग है और फुल अपने घर का ही ब्लॉग दिखाते हैं, फैमिली ब्लॉग टाइप का, तो वो काफी अच्छा लगता है। और इनकी सिस्टर बहुत ज्यादा खूबसूरत है वैसे सबकी सब दिखने में ही। और फाइनली मुझे स्टार्टिंग से लास्ट में पता चला कि ये लोग 5 सिस्टर है करके, अभी मुझे 3 लग रहा था, कभी 4 कभी 2, और वो फाइनली उसने बोला कि 2 मेरी बड़ी बहन है, 2 मेरी छोटी बहने करके, और इनकी मम्मी।
तो ये लोग सारे साथ में रहते होंगे और लाहौर में रहते हैं, इतना भी आज पहले ब्लॉग में ही मुझे इतना कुछ पता चल गया। तो गाइस काफी अच्छा ब्लॉग बनाती है फातिमा, सो नाइस। और वैसे तो वीडियो कहाँ ही देख रही होगी मेरा, अगर देख भी रही है तो प्लीज जाके कमेंट कर देना। और जिसने प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, और आप लोगों ने अगर वीडियो देख लिया होगा पहले, अगर नहीं देखा तो मेरे रिएक्शन के साथ वीडियो देखो, मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगा। और ऐसा लगता ना काफी लोग जब साथ में रहते हैं, हंसी मजाक, इन लोगों को मुझे लगता है फ्रेंड्स फ्रेंड्स बनाने की भी जरूरत नहीं है बाहर, इतनी अच्छी अच्छी इनकी सिस्टर्स हैं, मतलब साथ में घूमो फिरो ऐस करो, काफी है भाई, बहुत अच्छा लगा। और इनकी मम्मी भी मतलब काफी मतलब ब्लॉगिंग टाइप है, इतना टाइम हो गया ना उनको भी साथ में साथ ब्लॉग करते करते, तो फुल कंफर्ट है कैमरे के आगे, मुझे काफी अच्छा लगा इनका ब्लॉग देख के गाइस। और आप लोगों ने तो पहले ही देख लिया होगा, देख भी लिया तो मेरा रिएक्शन भी साथ में देख लो। मिलूंगी अब आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज मेरी लाइट में थोड़ा सा इशू अकर रहा है तो कभी कभी दिक्कत कर जाता है गाइस।